सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ये हैं MI का 4X MI4, और इसमें अगर आपके ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबा रखा है तो उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। जिस देख रहे हैं एक ये वाला पॉइंट और ये वाला, दोनों अपने जो पॉइंट दिख रहे हैं ये अपने अटैच होते हैं अपने स्पीकर से। स्पीकर यहाँ से अटैच होता है तभी अपना स्पीकर काम करता है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, जम्पर से आप देखेंगे तो ये जो दो कंपाउंड दिख रहे हैं ये अपने स्पीकर के हैं इन दोनों के। आप इनको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे रीडिंग क्या, इसमें कंटिन्यूटी कंप्लीट आएगी, ठीक है ना। यहाँ से आपको यहाँ पे लगा देना है इस पर, और यहाँ से लेके आपको यहाँ पे लगा देना है। अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा है तो आगे जो ये दोनों कंपाउंड दिख रहे हैं ये भी आपके ईयर स्पीकर के ही हैं। अगर इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी, तो ये डायरेक्ट आपके ऑडियो IC की प्रॉब्लम रहती है। इसकी वजह से आवाज़ या तो बहुत बार क्या होता है सुर सुर की आवाज़ की आती है, मतलब यूँ आपको लगता होगा कि आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, उसकी दिक्कत रहती है ये ऑडियो IC की। तो आप उसको ऑडियो IC को भी एक बार रिप्लेस कर सकते हो, और ऑडियो IC किसी को ज़रूरत है तो आप बिल्कुल, मैं नंबर दे दूँगा वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। आपको नॉर्मल करना क्या है, यहाँ से एक जम्पर लेना और डायरेक्ट ये बड़ा वाला जो कंपाउंड दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, इस पर आपको लगा देना है अगर ट्रैक टूट गया है, और इसका है जो आपको यहाँ से लेके यहाँ पे लगा देना है। तो बिल्कुल आपका जो ईयर स्पीकर है वो काम करने लग जाएगा। बहुत बार क्या है ईयर स्पीकर भी काम करना बंद कर देता है, और लाउड स्पीकर भी काम करना बंद कर देता है, और हो सकता है आपका माइक भी काम करना बंद। उस टाइम में क्या होता है ऑडियो IC बहुत बार ख़राब रहती है, इसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत दिन बाद, 4-5 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी अभी काम ज़्यादा होने की वजह से क्या मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ इसलिए टाइम पे, उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।